ओके, अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियली इस वेबिनार को हम शुरू करते हैं। ये साइंस की सीरीज का हमारा पहला वेबिनार है, जिसके अंदर हम जो है साइंस प्रोसेस स्किल से हम शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि ये प्रोसेस स्किल्स क्या हैं और किस तरह से ये हम अपनी क्लासरूम्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या सिचुएशन है। तो मैं चाहूंगा कि आप बीच में कुछ जगह ऐसी है जहां पर आपको अपना माइक अनम्यूट करके अपने कमेंट्स या अपनी राय देना चाहिए, तो उन जगहों पे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना माइक अनम्यूट करके आंसर्स कर सकते हैं, और ताकि कुछ पार्टिसिपेशन भी आपकी इसके अंदर आ जाए, इस वेबिनार के अंदर। आगे बढ़ते हैं फिर। हमारी पहली स्लाइड ये कि मैं चाह रहा हूँ कि आप हम कुछ रिफ्लेक्शन के साथ शुरू करें, कुछ जो एग्जिस्टिंग हमारे टीचर्स ऑफ साइंस के हवाले से कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम वहां से इसको शुरू करें। तो मेरा पहला सवाल या पहले सवालात ये हैं कि आपके ख्याल में क्या चॉक एंड टॉक मेथड जो है वो साइंस सीखने के लिए काफी होता है, या हम बच्चों को क्लास के अंदर जो है साइंटिफिक फैक्ट जो है, जैसे हम उनको बताते जाएं कि रोशनी जो है वो खत मुस्तकीम में सफर करती है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, या और न्यूटन के कवानीन जो हैं वो हम डायरेक्टली लोगों को बताना शुरू कर दें, फैक्ट्स के हवाएं कैसे चलती हैं, जहाज कैसे उड़ते हैं। तो क्या ये फैक्ट्स बता देना बच्चों को काफी है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट बनने के लिए? तो मैं चाहूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी राय का इजहार करें इन सवालात के ऊपर। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कुलसुम खली कंसारी फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कैंपस खैबर डिस्ट्रिक्ट मटियारी। जी, आई वांट टू शेयर कि सिर्फ चाक एंड बोर्ड इज नॉट इनफ। उसके साथ हमें स्टूडेंट्स को कुछ मॉडल्स भी, स्पेशली मॉडल्स भले लो कॉस्ट हो और इजी टू अवेलेबल हो, हैंडमेड हो, तरह जी के भी हम या एक्टिविटीज जो करवा सकते हैं, तो वो साइंस के वाले से तो लाजमन करवानी चाहिए। जी यानी कि आपका कुलसुम का ख्याल यह है कि चॉक एंड टॉक जो है या फैक्ट्स बता देना जो है साइंस एक सक्सेसफुल साइंस का स्टूडेंट बनने के लिए काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमें कुछ मॉडल्स भी इस्तेमाल करने चाहिए और कुछ लो कॉस्ट किस्म के मटेरियल और कुछ एक्टिविटीज जैसा कि उन्होंने जिक्र किया उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और कोई साथी हमारा कुलसुम के अलावा? जिस जी तरह से फोर्स के बारे में अस्सलाम अगर हम बताएं। थैंक यू। वालेकुम। ठीक, कुलसुम बाबर को कहने दीजिए। जी बाबर, अस्सलाम वालेकुम सर। माय नेम इज बाबर अली शाह, आई एम फ्रॉम गारो डिस्ट्रिक्ट अट्टा। जी सर, मेरा मतलब ये मैं कहना हेलो, चाहता हेलो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चौक और जो स्टूडेंट को इसको बताना ये बिल्कुल सही वे है, मगर कोई ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह जैसे हो, कोई 3D मॉडल हो जिसपे हेलो, बंदा दिखाए कि भाई अस्सलाम ये हम अभी ये बाबर को काम। बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। जी बाबर, 3D मॉडल्स की आप बात कर रहे थे। जी जी सर, मॉडल्स होने चाहिए जैसे बच्चों को पता चले कि भाई हम मतलब ये जो हम जो सिखा रहे हैं साइंस मॉडल ये क्या है, मतलब कैसे काम करता है, उसको ग्राफिक डिजाइन से मतलब उसको पॉप अप किया जाए, तो इसे वेल टू अंडरस्टैंड फॉर स्टूडेंट सो कैन जी इजीली वर्क ऑन डेट। जी बाबा, ठीक है। तो तो इसका मतलब आपका कहना, दिस इज ये। जी आपका, हाँ आपका कहना वैसे, तो जो इंटरनेट पे रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों ने ग्राफिक्स बनाए हुए हैं, बड़ी अच्छी जी अच्छी जी एनिमेशन बनाई हुई हैं, तो उनको हम अपनी टीचिंग जी में सर उस इंटीग्रेट कर सकते जी हैं। जी जी सर जी 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 सर उससे जो है ना बच्चे बच्चा जो है बिल्कुल इजीली गेन कर सकता है। जैसे मैं साउथ कोरिया गया था, वहां पे मतलब स्कूल एक विजिट किया था, तो वहां पे बिल्कुल बच्चों को किताबें नहीं दी जाती, पहली बात तो ये। तो वहां पे बिल्कुल प्रैक्टिकली मतलब बच्चों को बताया जाता है कि भाई ये काम आप ऐसे करें ऐसे करें, मतलब एक गेम भी हो जाती है और बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब छोटे बच्चों से लेकर तकरीबन 8वीं 9वीं क्लास तक ये ऐसे मॉडल दिखाया जाता है। ओके और जनरली हम सब इससे मुत्तफिक हैं कि ये जो क्लासरूम की तस्वीर भी इस स्लाइड में नजर आ रही है, ये साइंस क्लासरूम की जी कम जी से कम सर नहीं होनी चाहिए, है ना? जी। जी जी सर जी और किसी ने बाबर के अलावा माइक खोला था, तो उनकी भी राय ले लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी सर थैंक यू सर थैंक। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। जी, किसी ने माइक खोला था, फिर वो बाबर क्योंकि बोल रहे थे तो उस दौरान मैंने उनको रोक दिया था।
ओके तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जनरली हम तकरीबन यही बात कर रहे होंगे कि ये जो क्लासरूम जो यहाँ नजर आ रही है ये एक साइंस की क्लासरूम नहीं हो सकती या एनफ नहीं हो सकती, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देने से जो है वो आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स नहीं हो सकते साइंस के, क्योंकि अब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो गूगल में भी अवेलेबल है, आप जब चाहें अपने मोबाइल फोन से गूगल करें तो वो आपको सारी डेफिनेशन और वो सारे क्या कहते हैं फिगर्स आपके पास आ जाती हैं, तो ये इनफ नहीं है। और जैसे कि बाबर ने और कुलसुम ने कहा कि हमें इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, तो हमें कुछ चीज़ें या एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने से पहले कुछ चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हम वो जो एक्टिविटी हम करवाएंगे या वो जो मॉडल हम यूज़ करेंगे या वो ग्राफिक्स यूज़ करेंगे उसको हम किस तरह से साइंस के कंटेंट के साथ किस तरह से वो महारतें या वो स्किल्स जो है ना वो बिल्ड हो सकेंगी। तो आज के इस बेसिकली वेबिनार में हम एक साइंस की टीचिंग के हवाले से हमें एक नए विजन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम चॉक एंड टॉक और ये सारा नहीं है तो हम सब लोगों को मिलकर एक साइंस की एजुकेशन के हवाले से एक विजन बनाना चाहिए, और वो विजन जो है ना वो नेशनल करिकुलम में भी रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें ऐसा हमारा विजन साइंस टीचिंग का होना चाहिए, यानी टीचिंग ऑफ साइंस को हमें इस तरह देखना चाहिए जहाँ आइडियाज जो है ना वो बड़े क्लैरिटी के साथ हों, बड़े वाजे तौर पर नजर आ रहे हों, दिख रहे हों, समझ आ रहे हों लोगों को, क्वेश्चंस लोग कर रहे हो कि यार ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो गया, ये होगा तो क्या होगा, इस तरह के जो सवालात हैं जो साइंटिफिक फेनोमेना को जो या साइंस को हमें समझने में या किसी फेनोमेना को समझने में हमें मदद दे सकता है, हमें उसको देखना पड़ेगा। फिर लोग टेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि मॉडल लाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाबर ने कहा कि कोरिया में किताबें नहीं होती, लोग जो हैं किताबों के बजाय उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या टेस्ट करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें देखना पड़ेगा, साथ साथ हमें उन जो कुछ हमने टेस्ट किया है जो एक्सपेरिमेंट किया है उसको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो कहीं और की दुनिया की हम बात कर रहे हों। तो ये बेसिकली ये 4-6 पॉइंट्स अगर आप जोड़ कर अपना एक साइंस के टीचर की हैसियत से अपना एक विजन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एक बड़ा आपको चीज़ों को समझने में चीज़ों को करने में हेल्पफुल रहेगा। तो हम देखेंगे कि वो क्या कंटेंट का, तो साइंस का हमें सबको पता है कि क्या पढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ साथ आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि इस विजन तक पहुंचने के लिए हमें किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक के बाद एक करके आपको वो स्किल्स इंट्रोड्यूस कराता चला जाऊंगा, और पैटर्न इसका ये रहेगा कि मैं आपको साथ स्किल इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके साथ साथ उस स्किल्स की थोड़ी सी वजाहत करूंगा और कुछ एक्टिविटीज हम सजेस्ट करेंगे, और हम देखेंगे फिर एंड ऑफ द डे आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में, आपके कमेंट सेशन में, कि इन महारतों को हम साइंस की क्लासरूम के अंदर रियली किस तरह से लेकर ले जा सकते हैं अपने कॉन्टेंट पढ़ाते वक्त। तो जो सबसे पहले साइंस की जो स्किल्स है जो जिसको आप बुनियादी तौर पे महारत कहेंगे कि इसके बगैर आप नहीं कर सकते, तो सबसे पहले साइंस का जो स्किल्स बनता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्व करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन आ जाता है, और ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप इसमें क्या करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं चीज़ों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, इवेंट्स के बारे में, जैसे चीज़ों के बारे में आप कहते हैं कि जनाब ये चीज़ कैसे दिखती है, किस तरह की है, क्या फंक्शन करती है, कोई सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में जो कि क्या हो सकता है, कोई इवेंट है जैसे कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कोई इमारत जो है वो गिर जाती है तो आप वजूहात देखते हैं कि गिरी क्यों थी, इसकी क्या वजूहात थी, कैसे ये ऐसा हुआ, तो ये सारे जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों के बारे में वो या तो उनको देखकर कर रहे होते हैं या उनको हाथ लगा के कर रहे होते हैं या सूंघ के कर रहे होते हैं या चख के कर रहे होते हैं, चखना वैसे रिस्की भी हो सकता है, अगर आप किसी अननोन आइटम को चख लेंगे तो वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, तो इसमें ज़रा मोहतात रहने की ज़रूरत है खास तौर पर सुनने आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है या मैं अपना माइक निकाल दूं, कोई और फीडबैक? सर क्लियर आ रही है। ओके जिनको नहीं आ रही फिर वो जरा अपना माइक चेक करें, हमारा फीडबैक दीजिएगा कि आवाज आ रही है, कोई साथी अनम्यूट करके। आ रही सर आवाज आ रही है। ओके ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब, थैंक यू। तो प्लीज आप पहले ना चेक कर लिया करें कोई इंस्ट्रूमेंट आपका आगे पीछे तो नहीं हो गया है, तो ताकि वो आपको परेशानी ना हो। अच्छा तो मैं बात कर रहा था कि ये जो और सबसे बुनियादी स्किल्स जो साइंस के अंदर ज़रूरत पड़ती है महारत की वो ऑब्जर्वेशन की है कि चीज़ों के बारे में मालूमात इकट्ठा करना और अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। इसकी मिसाल इस तरह से ली जा सकती है कि जैसे आप देखते हैं कि लकड़ी जो है वो आग पकड़ती है,
जब उसको फायर के करीब लेके जाते हैं तो वो आग पकड़ती है, साथ साथ आप सुनते हैं जब वो आग जल रही होती है तो कभी कभी क्रैक की आवाज आ रही होती है ना, लकड़ी के क्या कहते हैं क्रैक होने की या टूटने की अजीब एक आवाज सी आती है, मैं उस आवाज को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फीलिंग द हीट ऑफ द, और जब आप उसके करीब बैठते हैं तो आपको उससे उससे हरारत भी महसूस होती है, और उससे निकलते हुए धुएं को बाज दफा आप देख भी सकते हैं और बाज दफा आपको सूंघ भी पाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपको घुटन सी महसूस होती है। तो ये इसके अंदर अगर आप इस एग्जाम्पल के अंदर देखें तो इसमें आपको तीनों चारों स्किल्स नजर आ रही हैं, सेंसेस नजर आ रहे हैं जिनकी मदद से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो साइंस के अंदर जो बुनियादी काम ही शुरू जो है ना वो ऑब्जर्वेशन से होता है। कुछ ये ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटी है कि रिकॉर्ड एंड डिस्कस देयर ऑब्जर्वेशन, यानी स्टूडेंट्स को कहा जाए कि वो राइट डाउन करें अपने ऑब्जर्वेशन को, दे कैन वन एट ए टाइम, यानी जो भी वो देख रहे हैं किसी भी चीज को देख रहे हैं वो कैसे दिख रही है उसको रिकॉर्ड करें, उसकी ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे ये आप बच्चे फूलों की तस्वीर बनाए कि वो कैसा उसका कलर है कैसा है उसका शेप है, तो वो ऑब्जर्वेशन या इन्फॉर्मेशन वो रिकॉर्ड कर सकते हैं बाद में उसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये हमारी पहली महारत थी कि अगर हमें सक्सेसफुल साइंस का स्टूडेंट्स बनना है तो हमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन के बाद आती है क्लासिफिकेशन की। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें हैं जो एक जैसे दिखती हैं, तो ये इन्वॉल्व होता है कि इसके अंदर जो एक जैसे खसूसियात वाली चीजें होती हैं उनको हम एक ग्रुप में रखना शुरू कर देते हैं। और साइंस की जो स्टडी है वो मोस्टली जो है वो अगर आप रिकॉल करें तो क्लासिफिकेशन से शुरू होती है, जैसे ग्रेड 2 या 3 के अंदर शुरू हो जाती है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, वो एक ग्रुप और क्लासिफिकेशन बन जाती है। इसी तरह से समुंदर में रहने वाले जानवर और खुश्की में रहने वाले जानवर, यानी ऐसे ऐसे एनिमल्स जो सी में रहते हैं या ऐसे एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, इसी तरह से फिर 2 टांगों वाले 4 टांगों वाले, फिर वो वर्टिब्रेट और अनवर्टिब्रेट, तो लॉट ऑफ क्या कहते हैं जो क्लासिफिकेशन है वो सारा हो रहा होता है। और वो क्लासिफिकेशन आप जानते हैं कि वो प्रॉपर्टीज की बिना भी किया जाता है कि किसके अंदर किस किस्म की खसूसियात हैं, और उसकी बेसिकली जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आपने किसी एक खसूसियात को पढ़ ली तो किसी एक ग्रुप की खसूसियात पढ़ ली तो उस ग्रुप में जितने जानवर आते हैं या जितना आइटम उसके अंदर आएगा वो सारे जो है उसी खसूसियात के हाबिल होते हैं। तो वो ये एक दूसरी महारत आती है कि साइंस के अंदर लोग चीजों को जो है वो तेजी से क्लासिफाई कर रहे होते हैं जैसे जैसे वो आइडेंटिफाई हो रही होती हैं। और ये ग्रेड, मेरे ख्याल से ग्रेड 2 या 1 से शुरू होकर और ये ग्रेड 16 तक ही चल रहा होता है, ग्रेड 12 तक तो मुझे पता है जिसके अंदर वो हम फाइलम्स पढ़ते थे पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, तो वो सारा उसके बाद चल रहा होता है, उसके बाद शायद मैंने बायोलॉजी पढ़ना छोड़ दी थी। क्लासिफिकेशन के अंदर आप ये छोटी मोटी क्लास के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज करा सकते हैं मुख्तलिफ आइटम्स, क्योंकि आइटम्स हैं और बच्चे उसको जो है वो उसके ग्रुप्स बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू इन्वॉल्व होकर वो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं और वो अपनी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे इसके अंदर आपको बहुत सारे पत्थर नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कुछ बच्चे इसको कलर की बुनियाद पर अलग करें, कुछ बच्चे साइज की बुनियाद पर अमल करें, कुछ बच्चे इसकी चिकनाहट की बुनियाद पे अमल करें, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज और इसकी जो रीजंस हैं कि वो किस पत्थर को उन्होंने किस ग्रुप में क्यों रखा है वो बता सकते हैं। ये एक्टिविटी आप पत्तों के थ्रू भी कर सकते हैं, तो इस तरह की जो छोटी छोटी से एक्टिविटीज आप प्राइमरी लेवल से शुरू कर सकते हैं एक आइडिया देने के लिए कि क्लासिफिकेशन की जो महारत है वो किस बिना पर होती है साइंस के अंदर, और उसकी जब वो प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो वो साइंटिफिक कॉन्टेंट भी उनका आ जाएगा। और ये जो क्या कहते हैं ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी जैसे इस एक्टिविटी को अगर आप सिर्फ करा के इस तरह की एक्टिविटी छोड़ देंगे और इन क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाएंगे तो वो फिर जो क्या कहते हैं एक्टिविटी का जो सेंस है वो खत्म हो जाता है। जैसे इसके अंदर अगर आप ये डिबेट जनरेट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की मदद से, ये स्लाइड्स आपके पास आएंगे, इन क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है हम उनको क्या कहते हैं कल दोपहर तक हम ये स्लाइड भी उनको भेज देंगे कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स से आपने किस बिना पर डिसाइड किया कि फला ऑब्जेक्ट फला ग्रुप में जाएगा, आपने किस वजह से और क्यों नहीं इसको इस ग्रुप में लिया, क्यों नहीं उस ग्रुप में गया, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं कि हाउ व्हाट व्हाई, ये सारे आप जब स्टूडेंट्स के साथ डिबेट करेंगे उनकी इस एक्टिविटी के बाद तो उनकी उनको क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टीज और वो उसको क्लासिफिकेशन का जो साइंस है क्लासिफिकेशन की जो स्किल्स है उनको समझने में बड़ी आसानी होगी और बड़ी आसानी से वो उसको इन सारों को वो
देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहते हैं दूसरी क्या स्किल्स थी जो कि हमें इनफिल करने की जरूरत है। अच्छा, फिर साथ साथ साइंस के अंदर बहुत सारा इन्फरिंग स्किल्स भी आती हैं। और इन्फरिंग स्किल्स क्या होती हैं कि जो हम बेसिकली कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर, जो कुछ भी हमसे हमारे पास पहले मुख्तलिफ इवेंट्स को हमने मुशाहिदा किया होता है, मुख्तलिफ सिग्नल्स को मुशाहिदा किया होता है, तो उनकी बिना पर हम एक कंक्लूजन कर रहे थे कि यार ये सिचुएशन है तो ऐसा होगा। जैसे अगर आप इस तस्वीर में देखें तो आपको हल्के हल्के से काले बादल ज्यादा नजर आ रहे हैं, सफेद बादल कम नजर आ रहे हैं और बहुत सारा अंधेरा हुआ हुआ है, और क्योंकि लाइटें बंद है तो इसका मकसद है कि दिन का वक्त है, ये तस्वीर के लिहाज से हम देख सकते हैं, तो ये अंधेरा हुआ हुआ है और काले बादल आए हुए हैं। तो जिस इलाके के लोग होते हैं वो उन बादलों को देखकर पहचान लेते हैं कि ये वाले बादल आए हैं तो अब बारिश होगी। और ये क्या है कि आप इन्फर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, जो आपने ऑब्जर्व किया हुआ था फिनोमिना को, कि यार ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा। जैसे हम कराची में अक्सर जो है समुंदर की साइड से अगर बादल आ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि बारिश होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन समुंदर के अपोजिट साइड से बादल आते हैं तो हम वहाँ पे अक्सर जो है जून के महीने में, जुलाई के महीने में बारिश होती है। तो ये इन्फरिंग एक स्किल्स है जिसके अंदर लोग लिंक बनाते हैं अपने अपने मुशाहिदात को, पुराने मुशाहिदात और एक्सपीरियंस की बिना पे लिंक बनाकर एक प्रेडिक्शन करते हैं कि यार ऐसा होगा, या उसको हम इन्फर करते हैं कि ऐसा होगा। तो ये एक साइंस की तीसरी भारत आती है। और फिर वो इस इन्फ्रेंस को बाद में आगे हम आपको बताएंगे कि वो फिर एक और स्किल आ जाती है कि आप उसको टेस्ट कर लेते हैं, तजुर्बा कर लेते हैं और आप देखते हैं कि आपका इन्फ्रेंस जो है वो कितना सही था। जैसे कंक्लूड करना, जैसे आप सुबह सुबह अक्सर होता है कि आप साइडों में देखते हैं, रोड के तरफ सफर कर रहे होते हैं ऑफिस के लिए, स्कूल्स के लिए, तो सड़कों के किनारे काफी देर तक अगर भींगे होते हैं तो आप कहते हैं रात में बारिश हुई थी या ओस ज्यादा पड़ी थी, देखें अभी तक भींगे हो रहे हैं। या बाज दफा सर्दियों में, सख्त सर्दियों में आपको घास के ऊपर जो है वो व्हाइटनेस से नजर आती है, क्योंकि वो जो ओस जो होती है वो गिरती है और फिर वो रात में ठंडी हो जाती है तो हल्के हल्के से बर्फ सा आपको लग रहा होता है, तो आप उसको देख कर कहते हैं कि अच्छा, क्योंकि रात में तो आप सोए हुए होते हैं, आपने तो मुशाहिदा किया नहीं होता, आपकी तो ऑब्जर्वेशन नहीं होती कि आपने देखा हो कि ओस गिरी थी, वो ठंडी हुई थी, तो आप अपने पुराने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बिना पर इन्फर कर रहे होते हैं कि यार ये ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा। इसी तरह से कंक्लूड करते हैं कि अगर कराची में सर्दी होती है, जैसे अभी सर्दी आती है तो हमें पता चल जाता है कि पहले कोयटा में सर्दी पड़ी है, कोयटा की सर्दी हमारे पास आ रही है, और कराची का टेम्परेचर कोयटा से हाई होता है, यानी कि अगर कराची में टेम्परेचर ज्यादा है तो कोयटा में कम होगा। ये एक हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जनवरी के, खासतौर पर जैसे यहाँ पे मिसाल मैंने लिखी कि जनवरी के महीने में अगर कराची में टेम्परेचर 17 है तो इसका मकसद है कोयटा में 12 होगा या 10 होगा। तो हम ये इन्फर करते हैं बहुत सारे सालों के जो डेटा हमने पढ़ा होता है, देखा होता है, उसके बिना पर हम एक इन्फर कर रहे होते हैं। इसमें ये जो बच्चों के लिए इन्फर की स्किल बिल्ड करने के लिए जो एक्टिविटी है इस्तेमाल की जाती है, अक्सर हम इसके स्कूलों में, क्लासरूम्स के अंदर, वर्कशॉप्स में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक बैग वाली, यानी ऐसा बैग, ब्लैक से मुराद ऐसा बैग जो ट्रांसपेरेंट ना हो, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट डालकर लोग जो है हाथ डालकर उसको टच करते हैं, उसको खसूसियात को महसूस करते हैं और फिर इन्फर कर रहे होते हैं उस ऑब्जर्वेशन की बिना पर, जो वो टच करके ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग तक उसके सिग्नल लेके जा रहे होते हैं, उसको टच करके वो इन्फर कर रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है कैसा, ये नोकीला है या बिल्कुल चकोर है या किस तरह का है, तो वो एक अंदाजा लगा रहे होते हैं। और क्योंकि वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फेमिलर होते हैं, जो उन्होंने कभी ना कभी जिंदगी में उनको देखा होता है, उनको इस्तेमाल किया होता है, तो वो आपको एक आइडिया जो है वो दे रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये एक्टिविटी अक्सर सजेस्ट की जाती है इसके लिए ना। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर साइंस के अंदर एक और का स्किल जो इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं मेजर करना, यानी आपको बहुत सारा जो साइंटिफिक तजुर्बात हैं, जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, उसके अंदर आप इन्फर कर रहे होते हैं, फिर उसको मेजर कर रहे होते हैं। जैसे आप एक इन्फर कर सकते हैं कि यार ये जो टेबल है इसका जो ये नॉर्मली, क्योंकि टेबल जो है 3 फीट या 3.5 फीट ऊंची होती है, तो आप उससे बिना पर अंदाजा लगाते हैं कि ये टेबल इतनी ही होगी, लेकिन फिर उसको एग्जैक्टली मेजर करना किसी भी चीज का, उसका वॉल्यूम, उसका साइज, उसका मास, उसका टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको, तो वो आपको प्रॉपरली मेजर करना आना चाहिए, यानी आपको मेजरिंग टूल्स जो हैं वो प्रॉपरली इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी फाइंडिंग आउट हाउ लॉन्ग एन इवेंट अकर, साथ साथ अगर आप टाइम का है कि कोई भी इवेंट है उसको जलने में कितना देर लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेजर कर सकते हैं कि अगर 1 किलो चावल जो है वो बॉइल करने हैं
तो वो कितनी देर में बॉयल होंगे, एक पाव चावल कितनी देर में बॉयल होगा, और या इसी तरह के और दूसरे एक्सपीरियंसेस को आप जो हैं मेजर कर सकते हैं मुख्तलिफ तजुर्बात के थ्रू। जैसे मेजरिंग के लिए, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए ट्री विद अ मीटर स्टिक्स, यानी ये आपकी महारत होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को इसको प्रॉपरली आप मेजर कर सकें। इसी तरह से स्पिलिंग बैलेंस की मदद से आप जो हैं वो किसी भी चीज़ का मास मालूम कर सकें। इसी तरह से आप ये मालूम कर सकें कि एग्जैक्टली जो है वो बर्फ का एक कोई टुकड़ा जो है एक आम टेम्परेचर में कितनी देर में जो है वो पानी में तब्दील हो गया। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकें कि हॉट वाटर का कितना टेम्परेचर है, या अगर वो वाटर आपके पास है तो इस वक्त वो उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये सारे टूल्स जो हैं वो आपको प्रॉपरली इस्तेमाल करने आने चाहिए, आपको नहीं बल्कि आपके स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करने आने चाहिए। और हमें वो मौके क्लासरूम में क्रिएट करने चाहिए जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेजर करना जो है वो सीख सकें। वरना अक्सर यही देखा गया है कि मैट्रिक करने के बाद बच्चों को जो है वजन करना भी नहीं आता, यानी वो हमसे अच्छा वो सब्जी वाला होता है जिसको कम से कम पालक वजन करके उसको देना और उसके यूनिट्स जो हैं उसको पता होते हैं। अच्छा, मेजरिंग के बाद एक और स्किल्स जो आ जाती है कि प्रिडिक्ट करना, ये इंफ्रेट से थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप एस्टिमेट करते हैं प्रॉपरली कि क्या होगा किसी भी एक्सपीरियंसेस के, ये आपके प्रीवियस ऑब्जर्वेशन की बिना पे भी हो सकता है, आपके मालूमात की बिना पे भी हो सकता है, कि आपके पास जो साइंटिफिक नॉलेज है उसकी बिना पर भी आप जो हैं वो इन्फर कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो किस तरह से आप देखेंगे। तो ये बेसिकली ये एक और महारत है जिसके अंदर बहुत सारे आप तजुर्बात भी प्रिडिक्शन की बिना पे या इन्फ्रेंस की बिना पर होते हैं। फिर आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतनी देर में आप पहुँच सकते हैं, इतना वक्त लगेगा इसके अंदर, तो वो चीज़ें भी आप जो हैं ये साइंस की एक महारत के अंदर आ जाता है कि अगर आपको ये करना है तो आपको किस किस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आप उसको किस तरह से करेंगे। ओके, एग्जाम्पल में अगर आप इसको देखें, जैसे एक एग्जाम्पल है प्रेडिक्शन की कि एक्सप्लेन द ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड इनटू द लेमन जूस, कि लेमन जूस में जो है वो ब्लू क्या कहते हैं लिटमस पेपर जो है वो रेड क्यों हो जाता है। अब ये क्योंकि आप इसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इसको प्रेडिक्शन को अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें क्योंकि आई थिंक लेमन जूस जो है वो तेजाबी खसूसियात रखता है, तो एसिड की खसूसियात रखता है, तो उसमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा क्योंकि एसिड की ये खसूसियत है कि वो जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है। तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक कप को जो है पानी के कप को अगर आप फ्रीज में रखें तो वो कितनी देर में जो है वो जम जाएगा। लेकिन ये वैसे एक बड़ा अजीब सी मिसाल मैंने डाली है क्योंकि बहुत सारे फ्रिज वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमारा फ्रिज जो है वो क्योंकि उसकी फ्रिज की क्वालिटी और उसकी खसूसियत पे भी हो सकता है ये, तो आपका डेटा जो है वो फर्क आ सकता है, लेकिन आप अपने फ्रिज का अंदाजा जरूर सही लगा सकते हैं कि अगर पानी की बोतल या आपने कोई पानी का कप रखा है उसको जमने के लिए तो वो कितनी देर में जम जाएगा, क्योंकि वो आप उसको फ्रिक्वेंटली रखते और निकालते रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट मुझे याद आ रहा है इस प्रेडिक्शन के हवाले से कि उसमें वो टीचर ने उसमें किया ये था कि उसने मुख्तलिफ लिक्विड रखे लिए थे और हर लिक्विड पे स्टूडेंट के साथ डिस्कस करके उसकी प्रॉपर्टीज को उसकी चीज़ों को डिस्कस कर एक पर्ची उसने लगाई थी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के ऑयल जो है वो सरसों का तेल जो है वो कितनी देर में फ्रीज होगा, कौन सा बर्तन पहले फ्रीज होगा, मुख्तलिफ किस्म के उसने लिक्विड लेकर उसके फ्रीजर में रखकर फिर उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया था, प्रेडिक्शन की थी, ऑब्जर्वेशन किया और फिर नतीजे इकट्ठे किए थे कि कौन सा जो लिक्विड है वो जल्दी ठंडा होता है या उसका टेम्परेचर फ्रिज के अंदर जल्दी गिरता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप करा सकते हैं जिसके अंदर ना सिर्फ साइंस का कॉन्टेंट स्टूडेंट्स में डेवलप हो बल्कि साथ साथ स्किल्स भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्किल्स डेवलप होता है। अच्छा, फिर इन सारी चीज़ों के बाद जो है वो जो आप जो कुछ कर रहे हैं उसकी कम्युनिकेशन की बारी आती है, क्योंकि साइंस के अंदर ये महारत भी बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आप जो है प्रॉपरली चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकें।
तो ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है. कम्युनिकेशन आप दो तरीकों से कर सकते हैं, मोस्टली साइंस के अंदर की जाती है. एक आप ऑरली चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है आप कोई ड्राइंग बनाकर उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. जैसे इसमें है कि एक्सप्रेसिंग द ऑरली के आप जबानी तौर पर, और पिक्चर और लिखकर या ग्राफ की सूरत में आप अपनी ऑब्जर्वेशन को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. इसमें देख ले, देख सकते हैं आप इसमें कि पिक्चर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और रिटेन भी, के क्या है सनबर्न, हाउ टू ट्रीट, यानी सनबर्न के साथ आप कैसे मुकाबला करेंगे. तो इसके अंदर ये उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब हीट स्ट्रोक्स के दिनों में आप किस तरह से सर्वाइव करेंगे. इसी तरह से कम्युनिकेशन की एक मिसाल यहाँ पे दी जा रही है कि रिपोर्ट करना ऑरली और लिखकर रिपोर्ट करना, कि शेपिंग और डिस्क्राइबिंग द फूड चेन, यानी जैसे ये अगर आप देखें यहाँ पे मुझे यहाँ पे फूड चेन की जगह वाटर साइकिल लिखनी चाहिए, तो पिक्चर वाटर साइकिल की आ रही है. जैसे देखें आप इस तरह से कि ये वाटर साइकिल है, कि किस तरह से ये कम्युनिकेट प्रॉपर किया जा रहा है. अगर आप इसको देखें कि ये कम्युनिकेशन एक्सपर्टीज के अंदर आपकी आ जाती है साइंस के अंदर, कि अगर आप इसमें टेक्स्ट लिखेंगे तो वाटर साइकिल टेक्स्ट की सूरत में एक्सप्लेन करेंगे तो उसको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, उसके अंदर काफ़ी कॉग्निटिव किस्म का कॉग्निटिव लोड, यानी दिमागी तौर पर काफ़ी ज़्यादा उसमें सोचने इन्वॉल्व होगा. लेकिन अगर आप यही जो है वो प्रॉपर आप कम्युनिकेशन बेहतर तौर पर समझते हैं, तो अगर आप ये देखें ड्राइंग बनाएंगे वाटर साइकिल की, तो ये बहुत ही क्लियर लिए इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है कि पानी का जो चक्कर है वो किस तरह से दुनिया में चल रहा होता है. कि जैसे इसमें अगर आप देखें जो शुरुआत हो रही है, एरो बना के इसने शुरुआत की है कि जनाब समुद्र से पानी ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल जब पहाड़ों पे चले जाते हैं वहां से बरसाते हैं, और पहाड़ों से वो पानी दरियाओं में आता है, और दरियाओं से घूमता फिरता दोबारा समुद्र में भी आ जाता है, और कुछ पानी दोबारा बुखारात बन जाता है. तो उस तरह से आप ये कम्युनिकेशन भी ड्राइंग जो है वो इस्तेमाल करके जो है ना आप इसको इसको कर सकते हैं, स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इसलिए आपको चाहिए कि आप क्लासरूम्स के अंदर जब भी पढ़ा रहे हो, साइंस की क्लास ले रहे हो, तो जरूर कीप इन माइंड, आप अपने दिमाग में जरूर रखें कि आपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है. यानी स्टूडेंट जब कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है तो उनको ऑरली भी साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए मौके देने हैं, उनको लिखकर साइंस एक्सप्लेन करने के लिए मौके देने हैं, और साथ साथ उनको ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली उनको ग्राफ की सूरत में जो है उसके लिए भी मौके देने हैं. अच्छा, फिर कम्युनिकेशन के साथ साथ एक और चीज़ इस्तेमाल होता है जिसको हम लंबर्स कहते हैं. ऑल्दो भी ये मैथमेटिक्स नहीं है वो लंबर, क्योंकि लोग इन निशानों को देखकर डरे नहीं कि भाई साइंस के अंदर मैथ कहाँ से आ गई. लेकिन आपको बुनियादी तौर पे लंबर्स के साथ डील करना आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे क्या कहते हैं मेजरमेंट करेंगे. अब मेजरमेंट के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आप ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाते हैं तो आपको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, या किलोग्राम से ग्राम की तरफ आते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपको ये महारतें जो है आपको ये महारतें जो है वो गुलजार आपका माइक खुला हुआ है, एक मिनट में म्यूट ऑन करता हूँ. ओके, तो साथ साथ आपको जो है नंबर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है. तो अगर आप ये समझते हैं कि साइंस जो है वो बगैर ये जो बुनियादी मैथ की महारत है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और प्लस करना हो, कुछ ग्राफ्स बनाना, ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना, इसके बगैर आप साइंस सीख जाएंगे तो ये गलतफहमी है. तो इसलिए ज़रूरी है कि साइंस की क्लासरूम्स के अंदर भी जो भी मैथमेटिक्स उसकी इन्वॉल्व है तो ज़रूर उसको देखें, और ये उसके उसके मौके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें. जिस तरह से जैसे ये एग्जांपल दी हुई है कि अरेंजिंग ऑफ देम बाय क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे कि इसने ने इन्होंने क्या कहते हैं एक आपने अरेंज किया हुआ है कि किसी भी टेम्परेचर कितने पे मेल्ट होता है, तो ये देखें ये बड़े से छोटे के दाने मेंटेन करना, इसको प्लेस करना ग्राफ की सूरत में. तो ये आपको महारतें जो है बच्चों को इसका मौका देना पड़ेगा ताकि वो नंबर्स को यूज कर सकें. अच्छा, उसके बाद एक आ जाता है कि मफरूजे कायम करना, हाइपोथेसिस जनरेट करना कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा या नहीं होगा. ये इन्फॉर्म के हाउ एंड हाउ समथिंग इज हैपनिंग ना, तो ये एक इन्फॉर्म असेसमेंट होता है जिसके अंदर आप कहते हैं कि कौन सी चीज जो है वो क्यों और कैसे काम करती है. और जैसे कि द थ्योरी कैन बी टेस्टेड अगेन टू सी इफ इट इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि इसमें आप तजुर्बा कर सकते हैं कि आप मतलब एक अंदर एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, और फिर आप उसको टेस्ट करते हैं
और फिर टेस्ट कर कर आप कहते हैं कि जनाब मेरी ये थ्योरी करेक्ट है या गलत है, यानी जो हम ये कह रहे थे कि ऐसा करने से ऐसा होगा वैसे ही होता है, या आप ये कंक्लूड करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है। तो ये जनरली कहलाते हैं हाइपोथेसिस, और उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का अमल फिर वो आगे जाकर वो एक और महारत आ जाती है कि आप साइंस के अंदर मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं। तो साइंस के अंदर एक ये स्किल्स भी आपकी होती है कि आप इसके अंदर हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। जैसे फर्ज करें कि ये एक आप हाइपोथेसिस कर सकते हैं, डज द कलर ऑफ लाइट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, यानी कि मुख्तलिफ कलर्स की एक ही तरह के इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके और अगर आप मुख्तलिफ कलर्स की रोशनी उनको देते हैं पौधों को, तो आप क्या उसके ऊपर उसका असर होता है नहीं होता है। तो यानी कि आप ये हाइपोथेसिस एक जनरेट करते हैं, थ्योरी जनरेट करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और फिर उसको आप टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ये एक आपने हाइपोथेसिस जनरेट किया, प्रेडिक्ट किया कि बीन सीड्स ग्रो फास्टर इन इंफ्रारेड देन इन वाइट लाइट, यानी अगर उनको वाइट लाइट पे रखा जाए तो वो इंफ्रारेड लाइट से रेट से ज्यादा तेज करेंगे। तो आप इसको मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट कर सकते हैं और इस थ्योरी को कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये एक महारत कहलाती है, थोड़ी सी एडवांस महारत है। फिर उसके बाद एक और साइंस की महारत आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि आप जो हैं एक्सपेरिमेंट जो है ना वो डिज़ाइन कर सकें। अब इन एक्सपेरिमेंट डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व होता है कि आप कोई क्या कहते हैं एग्जाम कर सकें अपनी एजम्पशंस को या प्रेडिक्शंस को या एस्टिमेट को, यानी आपने या तो कोई हाइपोथेसिस बनाया होगा, कोई प्रेडिक्ट की होगी, कोई आपकी अजम्पशन होगी कि यार ये करके देखते हैं ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें फिर आप उसको डिज़ाइन उसको फिर एक तजुर्बे की सूरत में डिज़ाइन करना और फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना, ये फिर एक और महारत आ जाती है। और ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्या कहते हैं महारत होती है। ये ज़्यादातर जो हैं क्लास 6 के बाद जो हैं या 7 के बाद के जो बच्चे हैं उनको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें वो एबिलिटी उनके अंदर जनरेट होती है, जो लिटरेचर कहता है। बहरहाल आप शुरू में भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू शो डेट सी वाटर फ्रीज फास्टर देन वाटर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आप एक प्रेडिक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी आप एक कर सकते हैं कि समुद्री पानी यानी नमकीन पानी, अगर आपको कहीं से बोरिंग का बहुत ही कड़वा किस्म का पानी नमकीन सा मिलता है, उसकी एक उसको एक कंटेनर में रखकर और दो हमारा दूसरा जो आम पीने का पानी है उनको फ्रीजर में कुछ देर रखकर देख सकते हैं कि वो कितनी तेजी से जो है वो क्या कहते हैं कितनी तेजी से जो है वो क्या कहते हैं जमता है, या कौन सा पानी जो है वो पहले जो है वो फ्रीज होता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना, उसको उसके नताइज नोट करना, उसकी प्रेडिक्शन करना, ये सारा फिर एक्सपेरिमेंट डिजाइन के अंदर आ जाता है जो स्टूडेंट्स करते हैं। और मुख्तलिफ सब एक्सपेरिमेंट करना कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए, जैसे क्लास मेरे ख्याल से ग्रेड 8 में आता है हमारे पास, जो जिसके अंदर हम थर्मल कंडक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट आते हैं, जिसके अंदर वो तार के अंदर आप मोमबत्तियां लगाकर आप देख सकते हैं कि कौन सी वाली जो है मोमबत्ती पहले गिरी बोम, इस तरह तार के बाद आप सिल्वर पे लगा लिया, आपने कॉपर पे लगाया, आपने लोहे पे लगाया, और इवन वुड में भी चेक किया कि कंडक्टिविटी है या नहीं, यकीनन वुड जल जाएगा, वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ क्या कहते हैं तजुर्बात जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और करवा सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। फिर ये आ जाता है कंट्रोलिंग वेरिएबल, यानी तमाम माहौल एक जैसा हो और सिर्फ आप एक चीज़ को तब्दील कर रहे हैं और आप नतीजा निकाल रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। तो ये भी एक साइंस की महारत है जिसके अंदर आप एक वेरिएबल को कंट्रोल कर करते हैं। जैसे अभी आप पिछले हमने उसके अंदर बात की थी, जिसके अंदर हमने देखा कहा था कि भाई सीड जो है ना वो वाइट लाइट या इंफ्रारेड लाइट्स में किसमें ज़्यादा ग्रो होगी, तो बाकी उसकी कंडीशन सेम होगी, यानी उन सीड को जहाँ आप बोएंगे पानी की मिकदार भी आप सेम डालेंगे, आप यूरिया भी सेम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आप एक वेरिएबल चेंज कर रहे होंगे जो लाइट का वेरिएबल है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल करेंगे तो आपके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये कह रहा है कि ये भी एक महारत है कि आप उस वेरिएबल जिस वेरिएबल को आपने टेस्ट करना है वो और उसको जो है उसके साथ आप किस तरह से मैनेज करते हैं।
जैसे कि यह है ना कि सेकेंड टाइम यू कुक चेंज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी कि आप ये देखना चाहते हैं कि किसी डिश के अंदर सॉल्ट का जो अमाउंट है उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपने क्या किया, सिर्फ नमक चेंज करते चले जा रहे हैं आपकी रेसिपी को चेक करते हुए। इसी तरह से बोट की जब कश्ती है वो कितनी रफ्तार से, उसके साइज जो है यानी उसका बड़ा होना छोटा होना उसकी रफ्तार पर असरअंदाज होता है या नहीं होता है, तो आप कोशिश ये होगी कि वो सारा एक ही मौसम में उसका तजुर्बा हो, यानी कि हवा की रफ्तार भी सेम हो, लहरें भी सेम उठ रही हों, लेकिन बोर्ड का साइज जो है वो चेंज करके आप चेक कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ तेज चलती है। इस तरह से जो लोग कुकिंग के माहिर हैं तो वो सारी चीज़ें वो सेव रख रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ नमक की तब्दीली चेक कर रहे हैं या किसी और इंटीग्रेंट को देख रहे हैं कि उस पर क्या असरअंदाज हो रहा है उसके जायके पे, तो ये ज़रूर आप इस तरह के इसी को हम कहते हैं कि एक वेरिएबल को सिर्फ कंट्रोल करके आप उसके नतीजे को देख रहे होते हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारा डेटा पढ़ने को मिलेगा साइंस के अंदर, तो उन साइंस के उस डेटा को आपको पढ़ना आना, उसको उससे उसको एक्सप्लेन करना, उससे मालूमात लेना और इसी तरह से उस मालूमात को क्या कहते हैं प्रेजेंट करना, ये सारा आपका इंटरप्रेटिंग डेटा के अंदर आ जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो है वो क्या कहते हैं ग्राफ्स और मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल दी कि फॉसिल ऑयल को एक्सप्लेन करना कि भी इसका इस्तेमाल कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, गैस की इंडस्ट्री में हो रहा है, कोल के लिए हो रहा है, या कोल से ज़्यादा हम बिजली पैदा कर रहे हैं, तो वो इस तरह की जो ग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू जो है आप तेज़ी से उसको प्रेजेंट करना डेटा को और उससे अंदाज़ा क्या कहते हैं मीनिंग लेना जो है वो आपका इंटरप्रेटिंग डेटा के अंदर आ जाता है। और ये कुछ महारतें हैं जो कि हमने आपसे आपके साथ डिस्कस की, और ये महारतें जो है ना ये सारी ग्रेड वन से लेकर आपके ग्रेड ट्वेल्व तक जो हैं वो कारामद होती हैं। कुछ महारतें जो हैं वो ग्रेड वन से फोर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्टूडेंट्स की एज क्या है, वो किस किस्म का कॉन्टेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो हैं कॉन्टेंट के साथ साथ जो है आप क्या कहते हैं स्किल्स के ऊपर भी ये नज़र रखें। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज के इस वेबिनार का हमारा मेन मकसद भी यही है कि आप जो है सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड फिगर को रटने के बजाय, उनके आंसर्स याद करने के बजाय, उनको याद करने के बजाय उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें जो प्रोसेस साइंटिफिक प्रोसेस है, और हर लेसन में एक या दो आपका जो है ना वो फोकस प्रोसेस जो हैं वो ये आपके होने चाहिए, ताकि आप जो हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों की वो स्किल्स बिल्ड कर सकें, वरना आप यकीन करें वो साइंटिफिक स्किल्स बिल्ड नहीं होंगी बल्कि ये किसी लैंग्वेज की क्लासरूम या किसी और क्या कहते हैं रटने वाले मज़मून की क्लासरूम की तरह हो जाएगी। अच्छा, अब एंड में जो है मैं इस एक एक्सपेरिमेंट या एक तजुर्बा मैंने आपके साथ एक टीचिंग टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हमें हेल्प करेगी ये समझने के लिए कि जो है क्या कहते हैं इन महारतों को क्लासरूम के अंदर हम किस तरह से ले जा सकते हैं। तो मैं देखें यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन पर आपको एक बोतल नज़र आ रही होगी जिसको हम कॉनिकल फ्लॉक्स कहते हैं, ये आपने देखे ये केमिस्ट्री के लैब में आपने बहुत सारी देखी होगी। तो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ और एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इस सिचुएशन को पहले आप समझें और फिर उस सवाल के जवाब पे आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके भी लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जैसे ये आपको कॉनिकल फ्लॉक्स नज़र आ रही है, तो मैं क्या करूँगा इस कॉनिकल फ्लॉक्स के क्या कहते हैं के अंदर थोड़ी देर के लिए आग लगाऊंगा और उसके बाद ये अंडा जो है ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा इस बोतल में, इसके ऊपर रख दूंगा। तो आपने मुझे बताना है कि ये अंडा अंदर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। आप देख सकते हैं कि ये अंडे का साइज और इसका जो साइज है वो काफी छोटा है ना, काफी छोटा है। तो आपने ये बताना है कि ये अंडा इसके अंदर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, यानी आपने बल्कि बताना नहीं, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूं तो अच्छा रहेगा कि आपने ऑब्जर्व करके ये बताना है, ये प्रिडिक्ट करना है या ये प्रिडिक्ट करना है कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये अंडा इसके अंदर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो इसके अंदर देखें इसमें एक कागज जलाकर हम इसके अंदर डालेंगे और उसके थोड़ी देर बाद ये अंडा रख देंगे। आपने मुझे ये बताना है कि ये इसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं और क्या कहते हैं बता सकते हैं। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि चला जाएगा। अच्छा, अगर ये चला जाएगा तो क्या वजह है कि इसकी चला जाएगा, आप क्या इसकी साइंटिफिक रीजन बता सकते हैं।
ओके इट कैन गो इट कैन गो ओके तो हम ऐसा करते हैं कि ये एक मिनट में स्लाइड आगे चेंज कर दूं एग इन द बॉटल के ये इसके अंदर क्या कहते हैं प्रेडिक्ट हमारा ये स्ट्रेटेजी कहलाता है प्रेडिक्ट ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन तो आपने एक प्रेडिक्शन ये किया है कि ये इसके अंदर चला जाएगा और यकीनन चला जाएगा क्योंकि आप एक इन्फर भी कर सकते हैं कि प्रेजेंटर जो है इसको इस्तेमाल कर रहा है तो यकीनन अंदर जाएगा जब भी ये सवाल पूछ रहा है वो अगर अंदर नहीं जाएगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा ओके नहीं जाएगा कि भी कुछ लोग हैं तो आपकी अपनी प्रेडिक्शन याद रखिएगा और ये भी जरूर अपने नोट्स में याद रखिएगा क्योंकि अगर हमारी फेस टू फेस क्लास होती तो हम इसको जरूर प्रेडिक्ट एक्सप्लेन एंड ऑब्जर्व भी करते तो आप अपनी ये प्रेडिक्शन जरूर याद रखिएगा कि आपने क्या प्रेडिक्ट किया था और क्यों प्रेडिक्ट किया था फिर आप जो दूसरा पार्ट है इसका ऑब्जर्व का तो मैं कैमरे का एंगल चेंज कर रहा हूँ और अब आपको जो है ये जो मैंने प्रोसीजर बताया कि यानी हम इसके अंदर आग लगाएंगे और उसके बाद अंडा रखेंगे और इफ बर्न द एग विल गो ओके अगर अंडा जलेगा तो चला जाएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेडिक्शन और मुझे बहुत मजा आया ये वाले पोर्शन में खास तौर पे जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया तो मैं क्या स्लाइड शेयर रोक रहा हूँ और कहाँ से ओके आपकी स्क्रीन पे देखें ऑरेंज कलर का नजर आ रहा होगा ये मेरे साथ हमारे कुलीग आसिफ हैं ये देखें आपको बोतल नजर आ रही है और अब ये इसके अंदर एक कागज का टुकड़ा हम जलाकर डालेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि ये अंदर जाता है या नहीं जाता है ये देखिए हमने कागज का टुकड़ा जलाया और ये जलता हुआ कागज का टुकड़ा हमने इसके अंदर डाल दिया ओए 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 ये थोड़ा सा फंस गया कच्चा रहने की वजह से ओके सो आपने क्या ऑब्जर्व किया अच्छा ये कागज थोड़ा सा रह गया ओके तो आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया हाँ अंडा थोड़ा कच्चा रह गया था इस वजह से फंस गया जी आपने क्या ऑब्जर्व किया आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं जी समी साहब ओके आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं प्रेशर ओके आसमा खातून कहते हैं ये आसमा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं अपना माइक अनम्यूट करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को कि ये पहले तो ऑब्जर्वेशन ये हुए कि ये चला गया है ना जो लोग ये कह रहे थे कि ये चला जाएगा तो वो सही कह रहे थे कि ये चला गया तो दूसरा मुझे ये बताइए कि आप क्या ऑब्जर्व किया आपने और उस ऑब्जर्वेशन के बिना पर आप क्या नतीजा कंक्लूड कर सकते हैं जी जी साइंस टीचर्स ओके राव साहब ने लिखा है कि दे आर इनसाइड द फ्लॉक्स स्कूल्स एट स्कूल द एयर कॉन्टेक्ट एंड द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द फ्लॉक्स बिकम ओके आप बिल्कुल साइंस टीचर हैं आपने बिल्कुल सही कहा मैं इसका कैमरा चेंज करके अपनी तरफ ले आता हूँ ओके तो आपने जैसे कि कहा कि यह अंडा चला जाएगा और जब ये क्या कहते हैं हमने इसके अंदर आग लगाई जैसे कि तो क्या हुआ कि जो एयर थी वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठी उसने ज्यादा जगह घेरी और बहुत सारी जो है वो बाहर निकल गई और जब हमने अंडा इसके ऊपर रखा तो एयर उस वक्त तक कूल हो गई थी वो जैसे ही कूल हुई उसने अंडे को दबाव डाला और अंडा जो है इसके अंदर चला गया तो ये एक छोटा सा हमने स्टडी आपके साथ एक छोटी सी स्टडी हमने आपके साथ शेयर की जिसके अंदर हमने ये जिसको हम कहते हैं POE कहते हैं यानी प्रेडिक्ट ऑब्जर्व एक्सप्लेन और कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कुछ साइंस के उस्ताद इसको इस्तेमाल करते हैं प्रेडिक्ट एक्सप्लेन ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन यानी वो सिर्फ स्टूडेंट से प्रेडिक्शन ही पूछते हैं जैसे हमने कहा कि भाई ये अंडा चला जाएगा या नहीं चला जाएगा तो वहाँ भी एक डिबेट जनरेट हो सकती है क्लासरूम के अंदर के जहाँ पर आपके पास बहुत सा टाइम अवेलेबल है और यकीनन होना चाहिए कि जहाँ पर आप स्टूडेंट्स जो हैं अपनी प्रेडिक्शन को जो है वो एक्सप्लेन करें कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसा होगा और फिर उसके बाद अगर नहीं है तो क्यों नहीं जाएगा तो वो जो एक्सप्लेनेशन है फिर वो ऑब्जर्व करें और फिर री एक्सप्लेन करें तो वो एक्सप्लेनेशन जो प्रेडिक्शन के साथ होती है वो आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को
टैप करने में हेल्प करती है, यानी कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा स्टूडेंट्स का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जब भी उसने ये वाली बात की। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके आइडेंटिफाई होते हैं, मिसकंसेप्शन आइडेंटिफाई होते हैं जिनको आप आगे जाके टैकल कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को हम प्रेडिक्ट ऑब्जर्व एक्सप्लेन कहते हैं, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन यानी आपकी देखें प्रिडिक्शन एक्सप्लेन इन्वॉल्व हो गई, आपकी ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन इन्वॉल्व हो गई, और एक्सप्लेन यानी कम्युनिकेशन स्किल इस्तेमाल हो। तो इस तरह से ये तीन महारतें, तीन जो साइंटिफिक सॉरी साइंस प्रोसेसेस हैं वो इस्तेमाल हो गए। हम आगे बढ़ते हैं और अब मेरी बारी खत्म हो गई है और अब आपकी बारी है। तो वी वेलकम आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस को हम वेलकम करेंगे। तो आप चाहेंगे कि आप अपना माइक भी खोल सकते हैं और क्या कहेंगे उसको चैट बॉक्स पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इस दौरान में मैं जो है एक काम और करता हूँ, फीडबैक फॉर्म का लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप वो जो है वो फीडबैक फॉर्म भी हाथ के हाथ भरते चले जाएं और इसमें हिस्सा भी ले सकें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। माय क्वेश्चन इज लाइक के इज देयर एनी लिमिट अबाउट द एज कि इस एज पर ये साइंटिफिक जो स्किल्स हैं वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक आपने डिजाइनिंग वाला बताया कि वो 13 इयर्स प्लस जो है वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर मैं देखें इसके अंदर ना दो तीन एजुकेशन की दो तीन थ्योरीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है ना। कुछ जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने इस पे काफी काम किया, जैसे बिहेवियरिज्म के मेरे ख्याल से नाम याद नहीं आ रहा उनका, पियाजे ने सर्टन स्किल्स पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सर्टन स्किल्स पे जो है बच्चे जो है वो सर्टन परफॉर्मर्स परफॉर्मेंस कर सकते हैं ना। तो एक वो थ्योरी उसके साथ है कि मतलब उनकी सेफ्टी और उसके लिहाज से, वरना वैसे अगर आपका जो आवाज करता है प्लीज आवाज बंद करेंगे जी तो वो उसको कर सकते हैं। तो वो मुख्तलिफ आपको थ्योरीज को देखना पड़ेगा, लेकिन साइंस के जो बहुत सारे लिटरेचर के जो साइंस लिटरेचर के हैं वो जनरली कहते हैं कि जो कुछ महारतें हैं जैसे हमने आपको कहा तजुर्बा करना और हाइपोथेसिस जनरेट करना, ये ज़्यादातर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन स्केल, क्लासिफिकेशन, इन्फर करना, कम्युनिकेट करना, मेजर करना, ये ज़्यादातर ग्रेड वन और फोर के दरमियान आप इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से क्योंकि हमारे यहाँ नंबर्स का जैसे मैंने कहा था ग्राफ बनाने का, वो ज़्यादातर ग्रेड फाइव के करिकुलम में, फोर के करिकुलम में मैथमेटिक्स के अंदर शुरू होता है, तो आप वहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कई तरह के करिकुलम और कई तरह की थ्योरीज को देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पाकिस्तान सॉरी मेरे हमारे साथ नेपाल से भी हमारे दोस्त शिरकत करते हैं, हमारे नेशनल करिकुलम जो मैथमेटिक्स एजुकेशन का है वो कंक्लूड करता है जो एडवांस महारतें मल्टीप्लीकेशन और उसकी वो ग्रेड टू के अंदर उसमें कम्प्लीट हो रही होती हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हम ग्रेड फाइव से शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को ग्राफिकल तौर पर प्रेजेंट करना, वो ग्रेड फाइव से शुरू हो जाती हैं। तो उस लिहाज से आपको ये देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं जब ईमेल करूंगा तो मैं इंशाल्लाह ये लाइन बढ़ाकर ईमेल कर दूंगा कि लिटरेचर जो है वो कौन कौन सी महारत को किन ग्रेड्स के अंदर जो है वो सजेस्ट करता है। थैंक यू अस्मा इस सवाल को पूछने का। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। अच्छा एक मिनट, मैं कुछ लोगों से फॉर्म नहीं खुल रहा था तो अब उसको ट्राई कीजिएगा, अब वो फॉर्म खुल जाएगा। वो क्योंकि वो बटन उसका ऑफ था, अब वो बटन ऑन हो गया, तो प्लीज आप साथ साथ फीडबैक फॉर्म भी भरते जाएं। जी जी वो मी इनफरिंग स्किल्स है ना, वो दोबारा सुनना, लाइक टू बी मोर क्लियर। जी जी inferring skills। हाँ हाँ आप सवाल पूछिए उससे हवाले से। हाँ, I would like to be more clear on that skills। अच्छा infer जो होता है ना कि आप कुछ चीजों को देख कर ना आप एक अंदाजा से लगा लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा। जैसे आप कहते हैं बादल आए हुए हैं, काले काले बादल आ रहे हैं, तो आप कहते हैं बादल आ रहे हैं बारिश होगी,
या अगर शाम से ही आपको ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई महसूस होती हैं या थोड़ी तेज हवा चलना शुरू हो जाती है, तो आप एक इन्फर करते हैं कि रात को बर्फबारी होगी या रात को जो है वो बहुत सर्दी पड़ेगी, तो हमें आज जो है हीटर का इंतजाम कर लेना चाहिए। क्योंकि आप वो जो पुराने आपके मुशाहदात होते हैं, पुराने आपके तजुर्बात होते हैं, वो आपको इन्फर कर रहे होते हैं कि ये चीजें होती हैं तो ऐसा होता है। आई होप कि आई आई क्लियर माई पॉइंट ना। आपको थोड़ा सा इसको और कुछ मिसालों से देखना पड़ेगा। Nowadays, I'm developing that grade one curriculum based activities, and it is mostly focused on environmental science. And I'd like to incorporate most of these skills. If I get more ideas on that matter, I'll be more grateful. Inshallah, हम आपको आप जरूर आपसे मिलेंगे। मैं आपको कुछ किताबें और कुछ इस तरह की चीजें जरूर आपको भेज दूंगा। मेरे पास आपका ठीक है ना, आपको मैं पहचानता भी हूँ और आपका एड्रेस भी है मेरे पास, तो आई विल सेंड यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनि आई असल में हम जो है इस प्रोसेस स्किल्स के जहाँ बहुत ज्यादा टची हैं, और हम चाहते हैं कि साइंस जो है वो सिर्फ फैक्ट्स लोगों को ना बताए जाए, क्योंकि फैक्ट्स तो आप कहीं से भी पता कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा सक्सेसफुल साइंस स्टूडेंट्स जनरेट करना है तो लोगों को इन प्रोसेस और इन स्किल्स से गुजारना पड़ेगा। तो उसके लिए छोटे छोटे से, जैसे आपने कहा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज कराते हैं, तो इसी तरह से आपको एनवायरनमेंट और दूसरे लो कॉस्ट नो कॉस्ट से कुछ ना कुछ ये जो स्किल्स हैं, इन्फर करने की, प्रिडिक्ट करने की, ऑब्जर्व करने की, मेजर करने की, ये आपको सिखाना पड़ेगी। वरना देखिए कितने दुख की बात है, यकीन करें बहुत सारे आपको पाकिस्तान में ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, लेकिन वो एक टेबल की मेजरमेंट करके नहीं बता सकते कि इस टेबल की पूरी एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है, क्योंकि उन्होंने हम उसको अपनी जबान में इंची टेप कहते हैं, जिसको मेजरिंग टेप कहा जाता है, जिसको टेलर इस्तेमाल करता है। हम वो क्योंकि थोड़े से साउथ वो यूपी साइड के हैं, तो हम उसको कहते हैं इंची टेप इस्तेमाल करना नहीं आता लोगों को, तो बहुत जी। और कोई साथी चिप इन करना चाहेंगे, कोई सवाल पूछना चाहेंगे, कोई राय देना चाहेंगे? ओके, अगर आपके पास मजीद सवालात नहीं है तो हम आपको आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।